क्वेश्चन इज सेइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन ठीक है तो ऑब्जेक्ट का मास गिवन है मास इज गिवन टू बी 40 केजी ठीक है और इसको नीचे आने दिया हाइट कितना 5 मीटर टू द ग्राउंड ठीक है अच्छा हमें बताना है पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 5 मीटर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एम जी एच एम जी एच इज 40 इंटू एक्सेलरेशन 9.8 अगर गिवन ना हो तो इंटू हाइट कितनी 5 ठीक है तो ये कितना आया 200 इंटू 19.8 आप बोलो 10 तभी ले सकते जब क्वेश्चन में गिवन हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 196 जूल्स ठीक है ये वाली बात क्लियर है अब कह रहे बताओ इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन अच्छा टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट वी नो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज याद रखना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो कि टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट और ऊपर की भी पोटेंशियल है काइनेटिक नहीं है तो टोटल एनर्जी में भी कितना है होमवर्क मत करो कितना है 1960 जूल्स कितना है 1960 जूल्स है ना तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर क्या थी मैक्सिमम नीचे क्या थी मिनिमम पर जैसे हम हाफ वे डाउन जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट हाफ हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी हाफ तो हम बोलेंगे हाफ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 980 जूल्स कितना हो जाएगी और बाकी बचा क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी तो व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू विल से एट हाफ वे डाउन तुम बोलोगे एट हाफ वे इसका आंसर लिखोगे कैसे तुम बोलेंगे एट हाफ वे एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 मीटर इज इक्वल टू 2.5 मीटर सो एम जी एच इज इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा दैट इज 980 जूल्स क्योंकि टोटल 1960 थी बट वी नो व्हाट वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट कितना होगा 1960 कितना होगा 1960 तो अगर हम फिर बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी को हम एक्स ले लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है 980 है तो व्हाट विल बी एक्स एक्स विल बी 1960 माइनस 980 तो तुम अपना आंसर कुछ इस तरीके से लिखोगे जिससे तुम्हें नंबर मिलेंगे तुम पहले हाफ वे डाउन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे फिर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डाल दोगे और एक्स निकाल लोगे काइनेटिक एनर्जी को ये वे ऑफ समझ आया कि कैसे हमें लिखना है पेपर में कुछ नोट तो नहीं करना सबने कर लिया ठीक है नेक्स्ट कौन सा 17 क्वेश्चन में डाउट है सुमित 17 कौन सा जिसमें हमारा वो डिस्प्लेसमेंट जीरो रनिंग थी हमारा